हेलो गाइज, वेलकम ऑन माई चैनल। दिस इज़ योर सीजन एंड आई होप गाइज यू ऑल आर गुड। गाइज, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कि बहुत सारी ब्लीचेस जो होती हैं ऐसी होती हैं जिसके साथ हमें पोस्ट एंड प्री ब्लीच नहीं मिलती। वैसे तो मिलनी चाहिए, लेकिन फिर भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स, बहुत सारी रेंज ऐसी होती है जिसके साथ नहीं मिलती। मैं लास्ट ही भी ओलिविया का जो है ब्लीच का रिव्यू किया है, उसके अपने ऊपर जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैंने आपके साथ शेयर किया है गाइज। लेकिन उसमें एक इशू था कि पोस्ट एंड प्री ब्लीच नहीं था, अदरवाइज़ वो बहुत अच्छी है और भी मैंने एक दो पहले शेयर की है। तो कुछ लोग होते हैं कि उसके बिना ही हम अपने फेस पर ब्लीच अप्लाई कर लेते हैं। गाइज, एक बात याद रखना, वी रियली नीड टू अंडरस्टैंड कि हम डायरेक्टली अपने फेस के ऊपर केमिकल ही अप्लाई कर रहे हैं। सो हमें एक प्रोटेक्शन लेयर की प्री एंड पोस्ट हमें ज़रूरत है। ब्लीच के पहले भी हमें एक प्रोटेक्शन की ज़रूरत है एंड ब्लीच के बाद भी हमें एक प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। सो वी रियली नीड टू अंडरस्टैंड दिस। एंड अब मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपके पास प्री ब्लीच वो होती है गाइज जो हम ब्लीच करने से पहले अपने फेस के ऊपर लगाते हैं, तो अगर आपके पास वो नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं। कोई भी जेल, चाहे मैं इस तरह के बायोकेयर का जेल ले रही हूँ, अगर आपने अभी तक इसका रिव्यू नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। ऑलमोस्ट ये देखिए मेरी फिनिश होने वाली है, पर अभी नीचे काफ़ी थिक लेयर है इसमें। सो गाइज, इसका रिव्यू का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से चेक कर लीजिएगा। ईच एंड एवरीथिंग डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। आप पतंजलि एलोवेरा जेल, गुड वाइब्स का या वाओ कंपनी का कोई भी आप जेल ले सकते हैं। ये मेरे पास था और मुझे पसंद भी है तो ये मैं ले रही हूँ। इस तरह से आपको प्री ब्लीच में, नॉट पोस्ट, ब्लीच करने से पहले, मैं अब फेस पर तो नहीं, अपने हाथ पर ज़रूर मैं आपको लगा कर दिखाती हूँ। गाइज ये देखिए, इस तरह से जैसे मैंने ये ब्लीच ली है कि आपको थिन लेयर लगानी है, याद रखना। इस तरह से आपको मसाज करने के बाद, देखिए आपको इस तरह से फेस पे अपने 2 मिनट मसाज करना है एंड एग्जैक्टली आपको देखकर 1 से लेकर 1.5 मिनट के लिए छोड़ देना है। इस तरह से थिन लेयर जो थोड़ी सी अंदर समा जाएगी और थोड़ा सा लेयर जो है आपके ऊपरी पार्ट पे रह जाएगा, देन ये बहुत ही बेटर आपको रिजल्ट देगा। इस तरह से प्रोटेक्शन लेयर जो है आपकी स्किन पर बन जाएगी। तो आप कोई भी जेल यूज़ कर सकते हैं गाइस जो आपका फेवरेट हो। इस प्रोडक्ट का रिव्यू आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके बाद अब बात आती है गाइस कि आप पोस्ट ब्लीच में आप क्या इस्तेमाल करें। तो मैं बहुत ही सिंपल सी बात कहूँगी, पोस्ट ब्लीच में गाइस आप के ब्लीच करने के बाद, आपके स्पेशली ब्लीच वगैरह करने के बाद, प्लीज़ टोनर वगैरह कुछ भी यूज़ मत कीजिए। उस वक्त कोई CTM करने की हमें ज़रूरत नहीं होती उस दिन स्पेशली। उस दिन अपना CTM आप स्किप कर दीजिए। जैसे आप नाइट टाइम में कर रहे हैं तो नाइट टाइम में हम स्किन केयर के लिए CTM करते हैं। जिस दिन हमने ब्लीच किया है, कोई आपको अगर अपने फेस पर कुछ भी नहीं लगाना, नथिंग एंड कोई भी ऑयल वगैरह नहीं, जस्ट आपको अगर पोस्ट ब्लीच है आपको उसमें तो सिर्फ वो लगाइए, अदरवाइज नहीं है तो जो ऑप्शंस दे रही हूँ अब वो लगाइएगा। जैसे कि कोई भी आप अपना फेवरेट मॉइस्चराइज़र कोई भी लगा सकते हैं, जो आपका फेवरेट मॉइस्चराइजर, चाहे वो नीविया का हो, जॉय का हो। मैं जॉय कंपनी का रिव्यू किया हुआ है, वो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, मंगवाना चाहते हैं मंगवा सकते हैं। और ये किनवेदा कंपनी का है जो मेरा पर्सनल फेवरेट है, गर्मियों में काफ़ी अच्छा रहता है ये इनवेदा कंपनी का। मैं करंट में आजकल मैं इस मॉइस्चराइज़र को अपने CTM के बाद मैं यूज़ करती हूँ गाइज। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से चेक कर सकते हैं। एक ऑप्शन ये है, दूसरा ऑप्शन अब बॉडी लोशन है ये, लेकिन ये भी काफ़ी अच्छा रहता है फेस के लिए गाइज, वैसलीन का इंटेंस केयर। अगर आप कहेंगे इस प्रोडक्ट का अगर आपको इंडिविजुअल रिव्यू चाहिए तो दे दूँगी मैं आपको। तो आप ये इस तरह के कोई भी बॉडी लोशन, जैसे मैं वैसलीन की एग्जांपल दे रही हूँ, आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं गाइस। और कुछ नहीं है तो आप जो पेट्रोलियम जेली अपने फेस लिप्स के ऊपर हम केयर करने के लिए लगाते हैं, जो कि हर किसी के घर में होती है, तो प्लीज़ आप पेट्रोलियम जेली की भी आप इसे एज अ मॉइस्चराइज़र आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और एक और मैं आपको दे देती हूँ, बोरो प्लस गाइस, आप इसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बोरो प्लस का एक एग्ज़ाम्पल लेकर दिखा रही हूँ मैं आपको। आपको जैसे थोड़ा सा आपने, बस इतना सा आपने लेना है एंड ये मैं थोड़ा सा ज़्यादा ले लिया। आपको इस तरह से सर्कुलर मोशन में अपने फेस पर मसाज करके बस सारी रात के लिए, मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ प्लीज़ रात में किया कीजिए ब्लीच, दिन के वक्त मत किया कीजिए। तो रात में कर इस तरह से आप इसे छोड़ दीजिए बस एज अ नाइट क्रीम। उस दिन कोई स्पेशल नाइट क्रीम लगाने की ज़रूरत नहीं है, जो ये सिंपल मॉइस्चराइजर लगा रहे हैं यही एज अ नाइट क्रीम वर्क करने वाला है गाइज। तो प्लीज़ ये चीज़ें इस्तेमाल कीजिए। अगर ब्लीच को देखिए, लोग बोलते हैं आप अवॉइड कीजिए, मैं ये नहीं कहूँगी आप अवॉइड कीजिए, क्योंकि ये चीज़ सच है कि ब्लीच के बिना नहीं चलता।
हमारी स्किन पर वैसा ग्लो नहीं आता, हम कितने फेशियल वैक्सिंग्स भी हम बार बार नहीं कर सकते गाइस। मंथ में मैं 2 मंथ्स या 3 मंथ्स में मैं एक बार फेशियल वैक्स करती हूँ बिकॉज मेरे फेशियल हेयर का प्रॉब्लम है। वो मैं कैसे करती हूँ उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। लेकिन ब्लीच भी हमारे फेस पर मस्ट है एक अच्छा ग्लो लाने के लिए। तो इसीलिए दिस इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि किस तरह से आप पोस्ट एंड प्री ब्लीच इस्तेमाल कर सकते हैं, तो प्लीज़ गाइस ज़रूर कीजिएगा। और जो भी आपके एक्सपीरियंसेस हो प्लीज़ मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में एक बेल आइकन होगा गाइस उसे जरूर दबाइएगा ताकि आने वाली सभी वीडियोस के लिए आप नोटिफाइड रहें। एंड मेरी वीडियोस को शेयर ज़रूर कीजिएगा। एंड अगर आपके इस प्रोडक्ट रिलेटेड कोई भी इस वीडियो के रिलेटेड कोई भी क्वेरी है और कोई भी रिक्वेस्ट है तो प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, डेफिनेटली इसका रिप्लाई जरूर करूँगी। बाय गाइस।